Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. क्या कांड हो गया यार? ओए हमारे लोग कहाँ छुप गए साले? इन हराम खोरों को इसीलिए पाला था कि ये मुझे बचाने के बजाय खुद छिपते थे। सर वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं? और सर पत्थरों का कोई दीनमान नहीं होता, ना वो आम देखते हैं ना संतरा। अबे तो तुमको किसने रोका कमबख्त? तुम लोग भी मारो ना। सर हमारे पास पत्थर है ही कहाँ? अरे बेवकूफ, वो जो पत्थर हमको मारे वही पत्थर वापस मारो ना। ये है सागर ओबामा, एमएलए पद के उम्मीदवार। ये उनके बड़े भाई डाबर ओबामा, भूतपूर्व एमएलए, जिन्होंने जनता को आश्वासन दिया पर किया कुछ नहीं। उसी राह पर अब छोटे भाई हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अबे कमीनो, छुप कर रहे हो, इसी दिन के लिए पगार दे दोगे तुम लोग को। अरे सर मुबारक हो, मुबारक हो। अब तो उधर से भी पत्थर आ रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। पत्थर आ रहे हैं क्यों? तुमने तो कहा था उधर पत्थर है नहीं। सर हमने दे दिए ना। दे दिए? हमने दिए। अब गद्दार आदमी, तूने क्यों दिए? सर आपने मतलब नहीं समझ रहे, जो पत्थर हमने उन्हें मारे थे ना, अब वो वही पत्थर हमें वापस मार रहे हैं। ये है जफर अब्बासी, ये भी एमएलए पद के उम्मीदवार हैं। सत्ता में रहकर इन्होंने भी जनता को बेवकूफ ही बनाया। ये दोनों राजनीतिक अखाड़े में हमेशा एक दूसरे पर पत्थर उछालते रहते हैं। सलाम अब्बू। अम्मी एक चाय हमारे लिए भी लेती है। अभी ला रही हूँ बेटा। जाग गया शहजादे, जानते हो वक्त क्या हुआ है? 11 बज रहे हैं। उठ तो गया है ना, क्यों पीछे पड़े रहते हो उसके? तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है इसको, इसी तरह चलता रहा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। पूरा दिन अपने निठल्ले दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करता रहता है। कोई आवारा गर्दी नहीं करता, ऐसे ही बदनाम करते हो मेरे बेटे को। अगर अपनी बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल है तो कोई काम धंधा शुरू करो। वक्त आएगा ना तो काम धंधा भी कर लेगा। किसी दिन ऐसी नौबत ना आ जाए कि मुझे ऐसे धक्के देकर घर से बाहर निकालना पड़े। हाय अल्लाह, कैसे अबू हैं आप? हैं? अपने ही बेटे को अपने घर से निकालेंगे?
अरे तो तुम ही समझा लो अपने इस लाडले को। आपकी तो रोज रोज की आदत हो गई है कलेश करने की। हा? ये है अमन, पूरा नाम अमन ओसामा। इन्हें एक अजीबो गरीब बीमारी है विचित्र हरकत करने की। आइए जानें इन्हें ये बीमारी कैसे लगी। इनके पूर्वज बंटवारे के समय लाहौर से आगरा आकर हमेशा के लिए यहीं पर बस गए। इनके पिता श्रीमान अब्बास ओसामा सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं, इसलिए इन्होंने अपनी इकलौती बहन की शादी उसके पसंद के लड़के से खुशी खुशी कर दी। इनकी शराफत इनकी सरकारी नौकरी में मुसीबत बन गई, जिसके कारण कभी भी इनका प्रमोशन नहीं हो पाया। क्या हुआ, टेंशन में लग रहे हो? प्रमोशन मिला? जब घर में ही प्रमोशन नहीं मिला तो दफ्तर में क्या मिलेगा? क्या कहा अमन के अब्बू आपने? ठीक ही तो कह रहा हूं, गुलाम बन के रह गया हूं, घर में भी और दफ्तर में भी। आप भी ना, दफ्तर की खुंदक घर पर क्यों निकालते हैं? आप उनसे कहिए ना कि आप कितने ईमानदारी से काम करते हैं और आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। अरे जब तक वो बेईमान घटिया लोग मेरे सिर पर बैठे हैं, भूल जाओ प्रमोशन की बात। वो लोग कहते हैं कि मेरे घूस न लेने की वजह से उन तक मलाई नहीं पहुंच रही है। आप मायूस ना हो अमन के अब्बू, अल्लाह सब ठीक करेगा। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। नन्हा अमन 8 साल की उम्र से ही अपने पसंदीदा कलाकार नाना पाटेकर की फिल्में देखता चला आ रहा है, जिसका उसके दिमाग पे बहुत ही गहरा असर पड़ा। भ्रष्टाचार की वजह से परेशान अपने अब्बा जान को देखकर नन्हे अमन के अंदर एक बेहद ही अजीबोगरीब बीमारी ने जन्म लिया। गुड अमन, आज भी होमवर्क नहीं किया तुमने? तुम्हारा दिल पढ़ाई में नहीं है क्या? क्या है ये? हाँ ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? कुछ भी नहीं कर रखा, पूरी कॉपी खाली पड़ी हुई है, घर में बैठकर करते क्या हो? वाह वाह कलम वाली बाई, वाह वाह। काश ये 10 रुपए की कॉपी, ये 10 रुपए की कॉपी तूने मेरे मुंह पे नहीं उन रिश्वतखोरों के मुंह पे मारी होती तो आज मेरे बाप को प्रमोशन मिल चुका होता। वहाँ मेरा बाप ईमानदारी की कीमत चुका रहा है और यहाँ तुझे इस होमवर्क की पड़ी है। वाह वाह कलम वाली बाई, वाह। प्रिंसिपल मैम। अरे वाह भाई, तूने तो मैडम के छक्के छुड़ा दिए। आपने कमाल कर दिया। वाह 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 कलम वाली बाई, वाह। अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं, वाह। अमन, लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे, अब तो धंधा बन गया अखबार। आज क्या किया तूने स्कूल में? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर तेरी कंप्लेंट क्यों आई है? आज 6ठी बार तेरी कंप्लेंट आई है। अगर आज के बाद तूने स्कूल में कुछ किया तो तेरा नाम कटवा दूंगा और घर बैठा दूंगा, समझा? ए बापू, यहाँ नहीं मानेगा, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है। अगर यहाँ पे लग जाए तो इंसान ना बोलने के काबिल होता है ना सुनने के। फिर तू क्या मुझे स्कूल से बाहर निकालेगा? स्कूल वाले खुद मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे, समझा? किसिंग बूथ? अबे क्या ये तेरा किसिंग बूथ? भाई किसिंग बूथ पे ना एक शेर अर्ज है। इरशाद करो। कि शाहजहां के इस शहर में, कि शाहजहां के इस शहर में सारा मोहब्बत करने को तरसता है यार आज का युग। क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या बात। कि शाहजहां के इस शहर में मोहब्बत करने को तरसता है आज का युग। तभी तेरे भाई ने एक छोटी सी जगह खोली है जिसे हम कहते हैं किसिंग बूथ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बात है। बहुत अच्छे। छा गए लड़के, कल ही आते हैं फिर तो तेरे किसिंग बूथ में। कल ही आते हैं तेरे किसिंग बूथ में। और क्या? अबे साले लड़कों के साथ नहीं जाते वहाँ पे, लड़कियों के साथ जाते हैं। लौंडा वो चिकना है, इसका मतलब ये नहीं उसका फायदा उठाएगा तू। और भाई सुन, हाँ भाई, लड़की से ना याद आया, भाई वो जो पास वाला क्लब नहीं है, हाँ चंदू वाला, हाँ देखना छमिया आ रही है मुंबई से। क्या बात कर रहा है? वही चलते हैं।
और तुम दोनों को भी वहां लड़कियां मिल जाएंगी, तो आ जाना उन्हें लेके मेरे किसिंग बूथ पे, हो जाएगा तुम्हारा काम। कहीं ना कहीं तो तू मुझसे टकराएगा। टीना इमरती नाम है मेरा। वापस अपने पैसे लिए बिना चैन से नहीं बैठूंगी मैं। आई शपथ। भाई लगता है गई। मैं बॉटल ब्रांड न्यू। चल चल अभी आफ्टर पार्टी बाकी है। भैया हाँ चुम्मे के कितना पैसा लिए हो? 60 सेकंड का 30 रुपया है तुम्हारे पास? हमारे पास सिर्फ 25 रुपया होगा। चलो तुम्हारा शकल देख के ना दे आ रहा है हमें। चलो दो निकालो। भैया सिर्फ 23 होगा। चलो 55 सेकंड से ज्यादा, एक भी सेकंड ज्यादा लिए ना तो जाओगे दो और आओगे एक। अब जाओ जरा पैसे दे के जाओ इधर। अभी रुको रुको रुको, एक काम करो ये लेते जाओ। हाँ और खुशी खुशी जाना और खुशी खुशी आना। ठीक है शुक्रिया भाई जल्दी जाओ। अबे हो गया। अब अमन ओसामा चाहते हैं कि तुम्हारा वक्त समाप्त हो गया है। अबे जल्दी निकलो। अबे निकलते हो गए नहीं? थैंक यू भैया। कैसा माहौल था अंदर? गरम है। चलो ठीक है शुक्रिया। अरे मेरी जान। अबे क्या हाल है मेरे भाई? हाल ही तो ठीक नहीं है मेरे भाई, तभी तो तेरी याद आई। और इस टाइप की सिचुएशन में एक तू ही तो है जो मेरी मदद कर सकता है। अबे तू बता तो सही समस्या क्या है? तुझे बताया था ना अपनी उस गर्लफ्रेंड के बारे में? हाँ वो एमएलए की छोकरी शाहीन। अरे हाँ यार उस एमएलए के बच्चे ने नया राड़ा खड़ा कर दिया।
कमबख्त ने शर्त रखी है कि आने वाले इलेक्शंस में मैं उसकी पार्टी के लिए प्रचार करूं। ताकि क्रिश्चियंस वोट उसे मिल जाए। मुस्लिम तो पहले से ही उसके साथ है, और क्योंकि अगर वो जीतेगा तो ही अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देगा। ये पॉलिटिशियन लोग भी ना अपनी कुर्सी के लिए साला किसी को भी नहीं छोड़ते यार। अरे हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें। देख भाई तू तो जानता ही है कि ये स्पीच वगैरह के मामले में अपना हाथ थोड़ा नहीं पूरा ही तंग है, पर तेरा दिमाग। तेरा दिमाग तो सुपर कंप्यूटर का भी बाप है मेरी जान। मुझे पूरा यकीन है तू कैसे ना कैसे करके मेरी नैया पार लगा ही देगा। देख ब्रो तू कैसे ना कैसे करके ग्रेटर नोएडा आ जा, ताकि तेरा ये भाई उस एमएलए की शर्त तले दब के मर न जाए रे। मत रो मेरे देश के नौजवान मत रो। अगर मैंने भी इनसे दान के बच्चों को इनकी नानी याद नहीं दिलाई तो मेरा नाम भी सिवाजीराव बागले नहीं। हेलो हेलो अमन हेलो हेलो। ओह जीसस, इसकी ये बचपन की बीमारी कब ठीक होगी, पता नहीं क्या हो जाता है इसे। ये है जॉय, अमन की बुआ का इकलौता बेटा। इसे सिर्फ दो ही काम आते हैं, एक अपनी बाप की कमाई पे ऐश करना, दूसरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करना। वाह ये लो, यहाँ सोए पड़े हैं ये। ओ हेलो, ओहो साले अंकल आंटी साले तीर्थ पर बैंकॉक क्या चले गए हैं? दिन में पीनी शुरू कर दी तूने? अबे बैंकॉक तीर्थ पे कौन जाता है यार। अच्छा। देव बंद गए हैं। और वैसे भी ये बताओ कि साला काम के वक्त कौन सोता है यार? अबे सो नहीं रहे थे यार, फोन पे कजिन से बात कर रहे थे। अच्छा पता नहीं नींद कैसे आ गई। देख लो जड़ी बूटी हम देख कर आ रहे हैं, नशे में ये हो रहे हैं। सच्ची तेरी कसम यार, समझ ले आगरा में बाहर की ब्यूटी आई हुई है। ओए होए मजा आ गया। क्या बात हमारी कसम यार। भोले हाँ तुम ना बड़े भोले हो यार। मेरी कसम कभी कभी ना तुम्हारी चुम्मी ऐसी करता है। अबे एक मिनट ये क्या है? बताते हैं कन्याओं को पटाने का ये नया तरीका है हमारा। अच्छा शायद इसी बहाने कोई नंबर ले ले हमारा। क्या बात है, वेरी गुड। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस। क्या बात है चाचा। अबे क्या था ये बता, कौन कह रहा है देश तरक्की नहीं कर रहा? तो गाइस आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाइए और आगरा को पॉल्यूशन फ्री बनाइए। अबे इधर जा, वो देख वो रही। फ्रेश एयर मिलेगी जिससे हमारे आसपास का। अबे अब यहीं देख के निहारोगे, चलो वहीं चल रहे हैं। जाओ मैं इसी कूद रहा हूं। मैं इसी कूद रहा हूं। अबे क्या कह रहा है भाई, मरंदे साले को। चल मरंदे। थैंक यू। इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए और अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाइए। गो ग्रीन। एनवायरनमेंट की रिस्पांसिबिलिटी तो दे दी मैडम, अपनी रिस्पांसिबिलिटी भी दे दो। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं लूंगा छोटे, आज तो बड़ी हरी भरी हो रही है। और इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूँ। अबे रिस्पॉन्स की बाल्टी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हाल करूंगी तेरा कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई नहीं लेगा, समझा तू? और वैसे भी मैडम आगरा के इमरान हाशमी हम सारे बेबी। ओ हेलो, कौन हो तुम? आर योर लवर्स। लवर्स भाई ज्यादा नहीं हो रहा इनका? पता नहीं यार है कौन है साले। भाई शक्ल से तो शक्ति कपूर लग रहा है। हाँ तू बड़ा शाहिद कपूर हो रहा है, जा बचा के आ, जा तुम जा। हाँ भाई क्या बे, कितने जने हो तुम? देख ले और जितने भी हो ना हाँ। एक बार में आ जाओ सारे। अबे इतने ही यार, काय को बढ़ा रहा है बिना बात में। अच्छा क्या कह रहा था तू इमरान हाशमी? अबे काले का वह बात सुन मेरी, देखो लड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। अच्छा है ना? हाँ, हाँ, बोल क्या फायदा हम मारे और तुम पिटो। अच्छा और तुम मारो हम पिटे। ठीक है सब की घर जाओ और सो जाओ। अच्छा अबे सालों शक्ल बचा लो अपनी, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। अच्छा नहीं तो क्या बे, क्या बे, क्या बे, क्या बे, गोले 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 अब आ गए। अब तू जा अब देख जा भाई तुम्हारा जा भाई देख साले अभी मार खा के आएगा। ये बताओ, मैं देखो आलतू फालतू लोगों से बात नहीं करता हूँ, ये बताओ सबसे पहले बताओ तुम में से मेन आदमी कौन है, लीडर कौन है? बोल बे तुम। अगर हिम्मत है ना दोस्त इसको मार के देखा। अबे ये क्या कर रहा है? आ जा बेटा, आ जा कोई बात नहीं, मैं जाना कोई बात नहीं, जा चल जा जा छू। हैं क्या बे तू मारेगा बे? हैं ये मारेगा बे? तू मारेगा बे? हैं तू मारेगा? हैं हैं
पागल हो गया साला। अबे इसको क्या हो गया? पागल हो गया लगता है। भाई हंस क्यों रहा है? पागल हो गया साला लग रहा है। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जहाँ लड़की देखी वही साले कुत्ते की तरह तो मिलाते हिलाते आ जाते हो। इधर आ, इधर आ। बता मुझे, ये तेरी बहने है बहने? अगर तेरी बहन स्टेज पे खड़ी होती तो उसे छेड़ता तू? साले ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। साले कफन भी नसीब नहीं होगा तेरे को। इधर आ, मांग माफी। ए चल, ए इमरान हाशमी, चल मांग माफी। ए तो भी चल, चल मांग माफी अपनी बहनों से। अरे साले गेंडा स्वामी, चल मांग माफी। अरे बहन है तुम्हारी, तुम सबकी बहन है, मांगो माफी। चलो निकलो यहाँ से, भागो, चलो यहाँ से, भागो, भागो। देख लूँगा साले तेरे को। अच्छा, यहाँ क्या कोई तमाशा चल रहा है? अपने घर जाओ। ये लोग, ये सब लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं? तुझे नहीं पता? नहीं। अबे गुरुजी मंत्री बन गए हैं? अबे चुप, आगे देख। अच्छा, थैंक यू सो मच। ओके गर्ल्स, इससे पहले कि कुछ और पंगा हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वी गॉट टू गो, चलो। मैगी, 2 बज रहे हैं यार, अब तो सो जा। यार शिप्रा, मुझे नींद नहीं आ रही है यार। मुझे लगता है ना, या तो तुझे इंसोम्निया हो गया है या फिर उससे भी कोई बड़ी बीमारी। कौन सी बीमारी? तुझे कहीं प्यार तो नहीं हो गया उस लड़के से? साले मेरी चुम्मी तोड़ेगा, 2 बार चुम्मी ले चुका है, बलात्कार करके मानेगा, कमीना। अबे क्या यार गोला, हाँ? वो लड़की तो दिमाग खराब कर देगी यार। अच्छा, सपने में भी आने लगी। सो जा। हाँ, लेकिन हमें तुम पे भरोसा नहीं है। मुझे भी नहीं। तुम उधर मुंह करके सो। सो जाऊं? हाँ, बीच में एलओसी लगा रहा हूँ मैं। अबे सो जा पापी। हाँ सो जा, सो जा। खाई के पहन बनारस वालो, ओ खुल जाए बंद अकल का ताला। बेटा आगरा के लौंडे छोड़ेंगे नहीं तेरे को। अबे गोले। हाँ। अबे जब से उस एनजीओ वाली लड़की को देखा है ना यार। हाँ। हर जगह वो ही दिखाई दे रही है भाई। साले मुझे बता रहा है, रात भर इतना मच्छरों ने नहीं काटा, इतना तूने काटा है। फाइनली तेरी दुबई की शॉपिंग भी हो गई। हाँ, वो पहले तो वो कॉफी शॉप में। हाँ। दूसरा वो मार्केट में। अच्छा, और तीसरा? हाँ बोलता रहा, सुन रहा हूँ। वो पान वाले पे। हाँ। भाई ऐसा लग रहा है, हाँ, कि सामने से भी वही आ रही है यार। शिप्रा। हाँ। ये वही लड़का है ना? मुझे वो यहाँ भी दिखाई दे रही है भाई। तू बावला हो गया साले। मैगी, मैगी। Thank you.
नो किस। क्यों किस नहीं कर सकते? क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस है। तू बड़ी चुम्मा बचाओ दल से आई है। मैगी चलो हमारी बस छूट जाएगी। चलो मैगी। ये बढ़िया नाम है भाई मैगी। पहली लड़की होगी जो दो मिनट में तैयार हो जाएगी। अबे साले क्या बकरा है? भाभी है तुम्हारी। अच्छा भाभी है, गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए। वाह। आ गए भाई। अभी गोली चलना। सुहागरात में साथ लेके जाएगा? अभी साले जा रहा हूँ ना। जाना। आदा। हाय। जल्दी आना। सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। क्या हसीन इत्तेफाक है कि आज हम फिर से यहाँ टकरा गए। क्या ये इत्तेफाक पे इत्तेफाक यूं ही होते रहेंगे? इत्तेफाक से ये इत्तेफाक फिर से हुआ है। अब इसी इत्तेफाक के भरोसे देखते हैं आप हमें फिर से ग्रेटर नोएडा में मिलते हैं या नहीं। क्या बात है, हमारा इतना गहरा असर। अभी तो हम ठीक से मिले भी नहीं और आप शायरी करने लगी। अर्ज किया है इरशाद। बाय। नंबर तो देखी नहीं गई यार। साले शहर बता के तो गई है, आपका सेक्टर नंबर बता के जाएगी? अबे साले इतने बड़े शहर में मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे। अबे ठेका नहीं ढूंढना, लड़की ढूंढनी है। ढूंढ लेंगे। चल ढूंढते हैं। क्या ठेका? अबे चल ना यार। अच्छा लड़की। हाँ हेलो जॉय। हाँ ब्रो। भाई मैं कल ही ग्रेटर नोएडा आ रहा हूँ। हाँ आजा, आई एम वेटिंग। हेलो। हाँ हाँ ठीक है भाई, अभी तो फिलहाल मैं नोएडा जा रही हूँ। वहाँ पे भी बार में दो रात का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ओके ओके ठीक है भाई, जैसे ही खत्म होएगा मैं सीधा बॉम्बे आएगा। ओके ओके बाय। अरे क्या कर रहे हो डॉक्टर? ये है डॉक्टर हिलाने वाला, MBBS फर्स्ट क्लास फेल। ये जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहां से इन्हें लात मार कर निकाला गया, तो इन्होंने ग्रेटर नोएडा में आकर अपना क्लिनिक खोल लिया। अब यहाँ के लोगों का भगवान ही मालिक है। बेटा तुमने तो सुना होगा दीवारों के भी कान होते हैं। ये दीवारें पुरानी हो गई हैं, इन्हें चेक कर रहा हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे तो पहले बाहर तो आओ। क्यों नहीं आता हूँ। अरे डॉक्टर साहब क्या बताऊँ आपको, कल बाइक पे अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। उनको तो मामूली चोटें आई, कमबख्त मेरा पूरा शरीर जाम हो गया। लेकिन जैसे मैंने आपका नाम सुना डॉक्टर हिलाने वाला, मुझे पूरा यकीन हो गया। अब आप ही मुझे हिला सकते हो, हिला दो मुझे। बेटा हिला के रख दूंगा। ये तुम्हारे अंग है ना, ये आराम कर रहे हैं, इन्होंने काम करना बंद कर दिया है। इन्हें जगाना पड़ेगा और इंजेक्शन का तगड़ा तड़का लगाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब तुम मुझे डॉक्टर का मैकेनिक ज्यादा लग रहे हो यार। हाँ बेटा इससे पहले मैं मोटर मैकेनिक था, तो शुरू करूँ नट खोलना। गब्बर आया सरकार। बेटा जल्दी आ, मेरे हिलाने वाले औजार लेकर के आ। लाओ 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 सरकार आपका औजार। अरे डॉक्टर साहब इतना बड़ा क्या है? बेटा जितना बड़ा लोगे उतनी जल्दी आराम आएगा। ये क्या हो गया? Oh my God, Jesus Christ! अरे ये क्या करते हो डॉक्टर तुम? अरे मैंने इतना भी खाने को नहीं खाता। तेरा पता कर को हाथ। Yeah.
मेरा भाई आ गया। जॉय जॉय। चल ब्रो बैग तो उठाने दे भाई, बहुत प्रॉब्लम चल रही है यार। अब तेरा भाई आ गया है ना, अब तेरी सारी टेंशन खत्म। बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। अबे साले भाभी चल तेरे को मिलाता तेरी भाभी से। हेलो जी। हेलो जी। भाभी की मुंह दिखाई पे एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। बहुत ये अबे के नूर जहान हो तुम या हो उमराव जान। क्या बात। के नूर जहान हो तुम या हो उमराव जान, के तुम वो सवाल हो जिसका कोई जवाब ही नहीं है भाभी। देखा देखा, मैंने बताया था ना मैंने, जहां मिला मौका भाई ने शेर ठोका। बहुत ही लेकिन वो मेरे जेजी भी, तू कौन सी नंगी तारों पे चल के आ रही है? घर चल, ये कहानी मैं तुझे घर चल के बताऊंगा। घर हाँ। चल। वाह वाह क्या पटाखा हो रहा है। ए टकलू अपने मैनेजर को बुला। जी जी। अरे मैनेजर तो मैं ही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मैनेजर तो मैं ही हूँ। अबे वेटर नहीं, मैनेजर को बुलाने बोला है, जा मैनेजर को बुला। अरे मैम मैनेजर तो मैं ही हूँ, देखिए ना ये कोट ये शर्ट ये टाई और ये घड़ी भी पहनी है मैम। वेटर का मैनेजर ठीक है, चल अब मुझे जल्दी से जल्दी एक रूम दिखा। मैम मैं आपको कैसा कमरा दिखाऊं, मूनलाइट दिखाऊं, सनलाइट दिखाऊं, हॉट लाइट दिखाऊं या लो लाइट दिखाऊं? ट्यूब लाइट। अच्छा सा रूम दिखा जिसकी खिड़की खोलेगा ना तो समुंदर जैसा फील होना चाहिए और ठंडी झकास हवा आनी चाहिए। मैम यहाँ खिड़की के पीछे समुद्र तो नहीं है, हाँ लेकिन एक बंदर है और बंदर के पास यमुना है और यमुना से ठंडी ठंडी हवा आती है मैम। बंदर चल जल्दी रूम दिखा। मुझे ये बता तेरे पीछे ये तीन तीन घड़ियां क्या कर रही है, तेरा टाइम बहुत खराब चल रहा लगता है। नहीं नहीं मेरा टाइम तो बिल्कुल ठीक है मैम, ये न्यूयॉर्क का टाइम बताती है, ये लंदन का टाइम बताती है और हाँ मैम ये न्यू दिल्ली का टाइम बताती है, आपको कौन सा टाइम? शिकारी वो मेरे को भी दिख रहा है, चल अभी तू रूम दिखा। चलो मैम मैं आपको रूम दिखाता हूँ, ये रूम की चाबी पकड़। तू इतना चुप क्यों है अब तक है? अगर मैं होता ना उस डॉक्टर की अब तक बैंड बजा चुका होता। साला डॉक्टर आया ना टंकी। अरे जाने दे यार, अब जो खड़ा होना था वो तो हो ही गया, बाद में देख लेंगे साले को। चल छोड़ यार, इस टाइम पे उससे भी बड़ा टेंशन है मेरी लाइफ में। क्या? जो मैं चाहता हूँ मम्मी पापा के पौंडीचेरी से वापस आने से पहले सॉल्व हो जाए। यार ब्रो कोई रास्ता बताना यार। वैसे एक बात कहूँ, तेरी जो प्रॉब्लम है ना वैसे बड़ी बात है यार। अरे उसके बाप को मुझे इम्प्रेस करना है यार, कोई रास्ता निकाल जिससे मैं उस बुढ़ऊ का दिल जीत सकूँ। वैसे उसका नाम क्या है बुढ़ऊ का? जफर अब्बासी। बढ़िया भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेताओं की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। ए, मिश्रा जी ये पता नहीं माल पानी किधर जा रहा है? अरे सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ का एक एक वोट हमें ही मिलेगा। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर आपको यही सब कुछ करना था तो आपने उस लड़के जॉय के आगे शर्त क्यों रखी? रखनी पड़ती है, और आपको मालूम है कि मोहब्बत में इंसान जुनूनी हो जाता है, और देखना आप जुनून में वो सारे माइनॉरिटी क्रिश्चियन माइनॉरिटी के वोट हमारी झोली मिला के डालवा दे। लेकिन सर आपको यकीन है कि वो ये काम कर पाएगा? यस हमको पूरा यकीन है, लेकिन उसने जो हम पर यकीन कर लिया बहुत गलत किया। अबे हम नेता हैं, अपनी जान दे देंगे लेकिन वादा कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये क्या कर रहा है भाई तू? अबे ये तेरे भाई का किसी भी गंभीर मसले पे गहराई से सोचने का तरीका है, और वक्त के हर सेकंड के साथ तेरे भाई के कान जलते हैं। अब भाई तू मेरे खातिर अपना इतना भी दिमाग मत चला कि तुझे सच में नींद ना आने की बीमारी लग जाए। अबे तेरी परेशानी का हल तो हम कब का सोच चुके, अब तो हम अपने वाली के बारे में सोच रहे हैं। क्या? You also in love? अबे तुम्हें क्या लगा है?
हम के स्वागत मनाए बिना मर जाएंगे। अबे कसम ताज महल की, अबे हम भी जवान हैं, अरे आगरे के लौंडे हैं। और भाई हमारी भी कुछ फैंटेसीज हैं। आ गया ना आगरा का लौंडा अंदर से बाहर। भाई ये ग्रेटर नोएडा है, इधर हिंदी में बात कर। और ये फैंटेसीज ये हैं किसके लिए, उसका नाम भी तो बता। मैगी 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 मैगी। हाँ भाई मैगी, खाने वाली मैगी। अबे नहीं यार, इसका नाम मैगी है। अबे यही ग्रेटर नोएडा में रहती है। अच्छा बेटा, तभी मैं सोचूं तू ग्रेटर नोएडा इतनी जल्दी कैसे आ गया। अच्छा एक बात बता, तूने उसको बताया कि नहीं कि तू यहाँ पर है? पता क्या कहती है? अबे कहती है, अगर इतनी ही शिद्दत है तुम्हारी मोहब्बत में, अगर इतनी शिद्दत है तुम्हारी मोहब्बत में तो आके ढूंढ लो हमें ग्रेटर नोएडा में। ऐसा वाहियात चैलेंज कोई देता है आजकल के टाइम में? नहीं बिल्कुल नहीं। अबे इस अनजान शहर में उसे कहाँ ढूंढूंगा भाई मैं। बजरंग बली आप? जय श्री राम। बजरंग बली, मैंने टीवी पे आपकी रामायण देखी है और मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। जिस तरह आपने राम जी को सीता जी का पता बताया था ना, उसी तरह ना मुझे मेरी मैगी का पता बता दो प्लीज। चार दिन से नोएडा के सारे एनजीओ छान मार चुका हूँ, कहीं मिल ही नहीं रही है। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। एक्सक्यूज मी हनुमान जी, ये फोन बिना कभी बच जाता है। हाँ गोले। साले ग्रेटर नोएडा जाके लड़की मिल गई तो भाई को भूल गया? अबे नहीं यार, साले सड़क पे खड़ा हूँ धूप में, ढूंढ रहा हूँ उसे चार दिन से, मिल ही नहीं रही है। क्या बात कर रहा है? वाह हनुमान जी, आप तो 4G से भी तेज निकले। क्या बात है, इतनी जल्दी सुन ली। लव यू। अबे क्या बके जा रहा है? अबे मिल गई साले, तेरी भाभी मिल गई। अबे भाई को लड़की मिल गई। यार उस मॉल में ना कलेक्शन अच्छा नहीं था। यार उस कलेक्शन को छोड़, मुझे तो लगता है ना वो लड़का यहीं कहीं है। कम ऑन यार, रात में तुझे इंसोम्निया हो जाता है, दिन में वो तुझे हर जगह दिखाई देता है। ग्रो अप, व्हाट हैपेंड विद यू? दर भटके हैं बस तुम्हें एक नजर देखने के लिए। And finally, तुमने मुझे ढूंढ लिया। वैसे इतनी तो शिद्दत है मेरी मोहब्बत में कि तुम्हें कायनात से भी चुरा ले आऊं। इतना चाहते हो मुझे? किसने कहा हम तुम्हें चाहते? तुम मेरी चाह नहीं, तुम मेरी ख्वाहिश हो। लेकिन ख्वाहिशें कभी कभी पूरी भी नहीं होती है। मेरी ख्वाहिश मेरी निगाहों के सामने है। जी चाहता है इस चांद से चेहरे को बस यूं ही जिंदगी भर देखता हूँ। सांसों में जैसे अब सांस आने लगी है, इस दिल के जब से तू पास आने लगी है, इस दिल के जब से तू पास आने लगी है। मुझको तो बस एक है नशा तेरा, तू मेरा इश्क है।
कुछ कह रही है, ना जाने कब से मेरे दिल में तू रह रहा है, ना जाने कब से मेरे दिल में तू रह रहा है, तेरे ही साथ में रहना है अब सदा, मुझको तो बस एक है नशा तेरा, तू मेरा इश्क कि तुम कॉफी होती। हाँ? हाँ? काश कि तुम कॉफी होती और मैं तुम्हें सिप सिप करके पीता, तुम झाग की तरह मेरे होठों से चिपक जाती और मैं आखिरी कतरा कतरा पी जाता। What do you mean? I mean कॉफी ठंडी हो गई है बाबा, let's have coffee. या अच्छा अमन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कौन है? अब हमें मिलते हुए काफी टाइम भी हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवा दूं। Even I am so excited to meet them. Really? Yeah. Okay. वैसे कौन-कौन है तुम्हारी फैमिली में? मेरी फैमिली में मिस ब्रिगेंजा है, मेरे डैड हैं और मेरे बड़े भैया। So who's Miss Briganza? Miss Briganza, she is my caretaker. Okay. जब से मम्मा नहीं थी तब से उन्होंने ही मेरे और मेरे बड़े भैया की देखभाल की है। Okay. So she must be very, you know, caring, no? She is an amazing person. उल्लू का पट्टा, कहाँ है तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहा? And where is Maggie? How would I know, आंटी? How would I know? मैं तो अलग कमरा लेके रह रहा हूँ। घर जाने लायक हालत नहीं है मेरी। ऐसा क्या किया तुम रास्कल? अरे मैंने किया नहीं, मेरे साथ हुआ है आंटी, और वो भी एक फर्जी डॉक्टर की वजह से। Okay dear, अब मैं नोएडा आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? May the doctor go to hell. अभी मैं मैगी से बात करती हूँ। हाँ फोन रखो, यू टेक केयर बेटा। ओह माय गॉड, उनकी कितनी लंबी उम्र है। आई विल जस्ट टेक अ मिनट। हेलो आंटी, हाउ आर यू? आई एम फाइन डियर, मैं तो घर पहुंच गई हूँ, लेकिन तुम कैसा है और कहाँ है? मैं बहुत अच्छी हूँ और अभी बाहर हूँ। वैसे आंटी, आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? व्हाट सरप्राइज डियर? वो जब मैं आपसे मिलूंगी ना, आपको तभी बताऊंगी, बिकॉज इट्स अ सरप्राइज। ओके डियर, बाय बाय, जल्दी आना। हाँ ओके आंटी। ओ मैगी, आ गया तुम फ्रेश होके? यस। अच्छा आंटी, मुझे आपको एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? यस। बोलो बोलो। दिस इज अमन एंड ही इज द लव ऑफ माय लाइफ। रियली? अरे वाह, बॉय इज वेरी स्मार्ट। लेकिन मैगी, ऐसा रास्ता में जो जो लड़का मिलता है ना, उस पर भरोसा नहीं करने का। डोंट वरी आंटी, अमन बाकी लड़कों से बहुत हटके है। करता क्या है? ओह शिट, मैं तो उसे ही पूछना ही भूल गई। और उसने भी मुझे कभी नहीं बताया। हाउ केयरलेस मैगी, डैड को बताया उसके बारे में? हाँ बताया ना, और इसको डैड से कल मैं मिलवा भी रही हूँ। कल? लेकिन बेबी, कल तो मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, कल हमको हॉस्पिटल जाना है। ओके कोई बात नहीं, आपसे कभी और मिलवा दूंगी। Okay. लेकिन आंटी, डैड का डिसीजन जो भी हो, फाइनल डिसीजन तो आपको ही लेना होगा। अच्छा आंटी, आपके लिए एक और सरप्राइज है। कितना सरप्राइज देगा एक दिन में? ये है अर्शकल्प, ये पाइल्स की प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करेगा। माय डार्लिंग, कितना ख्याल रखता है तुम हमारा।
अबे पी ढलत सोने दी, अबे पी ढलत सोने दी, अबे पी ढलत सोने दी। जॉय, यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? और ये क्या है? नीचे करो उसको। अरे वो बताया था ना उस डॉक्टर के बारे में। अजीब अजीब बीमारी पाल लेते हो। चलो अंदर मच्छर काट खाएंगे। तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा होगा कि तुम बाप बेटी के अलावा मेरा खून कोई और भी पी रहा है। धीरे बोलो, डैडी बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, जाग जाएंगे। अच्छा, डैडी गहरी नींद में सो रहे हैं। वो भुक्का मेरी नींद उड़ा के और खुद गहरी नींद में सो रहा है। साले मैं ऐसी सुई चुभाऊंगा ना कि सारी हवा निकल जाएगी उसकी। ये बेकार की बातें छोड़ो, अंदर चलो। चलो 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 चलो। कैसी कैसी बीमारियां पाली हुई हैं। ओ, ये फुग्गे ने दरवाजे बड़े छोड़े। अरे नीचे झुको। 1 2 3 चलो। पता नहीं कैसे कैसे डॉक्टर के पास जाते हो, किसको होती है ऐसी बीमारियां। तुम भी ना हद करते हो, बैठो यहाँ पे। हाँ। ये बताओ इलेक्शन का क्या सोचा है? यार इन आने वाले इलेक्शंस में अगर ये फुग्गा फुस हो गया ना तो हम लोग मिल भी नहीं पाएंगे यार। बेबी तुम फिक्र मत करो, मुझे हमारे प्यार पर और ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। शाही आमीन होता है बेबी वो। हाँ हाँ, आई मीन जो भी है वो। अच्छा सुनो, मैं चाहता हूँ कि इस चांद से मुखड़े को जल्द से जल्द चुरा के ले जाओ यहाँ से। अच्छा तो कब कर रहे हो इस चांद की जमीन पर लैंड, मेरे नील नितिन मुकेश? अबे ओ आलिया भट्ट, नील नितिन मुकेश नहीं, नील आर्मस्ट्रांग था वो। बेबी तुमको पता है ना मेरा विज्ञान खराब है। विज्ञान नहीं बेबी, सामान्य ज्ञान होता है। बेबी जब से तुमको दिल दिया है ना, मेरे तो दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। सच्ची मुच्ची यार ये फुग्गा ठीक से चुम्मी भी नहीं लेने देता। नहीं, 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 जाओ जाओ जाओ। इस इलाके में बिल्लियां बहुत घूम रही हैं। मैं एमएलए बनूंगा तो म्युनिसिपैलिटी को सबसे पहले बर्खास्त करूंगा। तिवारी जी, कुछ खट्टा खाने का दिल कर रहा है यार। सर आप और खट्टा समझे नहीं, हमारा मतलब ये है कि हमने जो 2 लाख डब्बे अचार के बनवाने का ऑर्डर दिया है जो हम इलेक्शन से पहले बांटेंगे, जी जी, उसको टेस्ट करने का दिल कर रहा है यार। अच्छा, अरे सर अभी तो अंबियां कटी हैं, हमारे बाग में सूख रही हैं, फिर उनमें मसाला डलेगा, फिर उनमें तेल डलेगा, फिर सूखने में टाइम भी लगेगा। लेकिन सर अचार जितना पुराना हो ना, लोग उतने ही वोट करेंगे। हाँ। और सर जब वो खाना खाएंगे ना तो हमारी कच्चा आम पार्टी को याद करेंगे सर। क्या बात है, क्या बात है। हाय डैड। हेलो बेटा, कैसे हो? बढ़िया। हाय सर। ओके, मीट अमन, द लव ऑफ माय लाइफ। बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम है अमन। पूरा नाम क्या है? अरे छोड़िए ना सर, नाम में क्या रखा है। सर लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या नाम है तुम्हारा? सर मुझे प्यार से अमन ही बुलाते हैं सर। अमन, इवन मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, बताओ ना, मुझे भी जानना है। बेबी तुम मुझसे प्यार करती हो मेरे सरनेम से? सर अब तो पक्का ही कुछ गड़बड़ है। देखो जब तक अपना पूरा नाम नहीं बताओगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। सर अमन। अरे जरा जोर से बोलो। अमन ओसामा। तुमने मुझे बताया कि नहीं कि तुम्हारा नाम अमन ओसामा है? बेबी तुमने कभी पूछा ही नहीं, मैं कैसे बताता। रिलैक्स किड्स। देखो बेटा अच्छा हुआ कि तुम्हारे सरनेम के पीछे बिन लादेन नहीं लगा हुआ, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एनीवे इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। देखो ऐसा है, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, मैं ऐसी सोच का आदमी हूँ क्योंकि मेरी माँ खुद हिंदू थी यहीं यूपी से। लेकिन यहाँ सवाल मेरी सोच का नहीं है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी का है। इलेक्शन सर पर है, कल को अगर किसी ने देख लिया कि एमएलए की बेटी किसी मुस्लिम लड़के के साथ घूम रही थी तो यू नो व्हाट कैन हैपन।
लेकिन घबराओ मत, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास। ये बताओ काम क्या करते हो? या अल्लाह, मैंने किसी भूत के बारे में अभी तक मैगी को नहीं बताया, तो इन दोनों को कैसे बता दूं? अमन बताओ ना डैड को तुम क्या काम करते हो। सर मैं मैगी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर का मतलब है कि तुम काम क्या करते हो? अभी कुछ नहीं करता, बस कोई अच्छा सा काम ढूंढ रहा हूँ। सर ये तो पक्का ही निठल्ला है। ओ फाइन, ये तो अच्छा है। समझो तुम्हें काम मिल गया यंग मैन, और हमारे पास आ रही सरनेम की इस प्रॉब्लम का एक ही हल है, तुम खुद को मेरी पार्टी वालों के सामने प्रूव करो। सर अब कौन सी चाल चली आपने? आने वाले इलेक्शन में मेरी पार्टी का प्रचार करके, एट योर लेवल बेस्ट। तुम कुछ ऐसा करो कि सारे मुस्लिम वोट मुझे ही मिले। देखो पूरे 3 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास, मुझे हर हाल में उस जफर अब्बासी को हराना है। अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो तुम्हारी शादी मैगी के साथ पक्की, वरना भूल जाओ मैगी को। यू अंडरस्टैंड? हेलो, हाथ मांगने हुए वोट? हाँ, एक्सक्यूज मी डैड। हाँ बोलो। इसकी तो यार अमन, अमन क्या है? क्या हुआ है यार? इस कच्चे आम ने ना दांत खट्टे कर दिए। मतलब तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने कितनी बड़ी चाल चली है? मैं कल बात करता हूँ। सर आपने वादा तो कर दिया, अब आप निभा पाओगे? खंडूरी बस यूं समझ लो कि हमने अपनी बेटी का दिल रखने के लिए अंधेरे में तीर चलाया है। ब्रो क्या सोचा फिर तूने? अब किसके साथ है तू? भाई मुझे क्या पता था यार कि वो भी एमएलए की छोकरी निकलेगी। भाई मुझे क्या लगता है ना कि तेरी वाली का बाप तुझे और मेरी वाली का बाप मुझे दोनों ना अलग अलग बेवकूफ बना रहे हैं भाई। उन्हें पता है भाई कि इलेक्शन खत्म होने तक कि हम भीड़ में कहीं खो जाएंगे। अगर वो जीते तो अपने रास्ते, अगर भाई हारे तो अपने रास्ते। हमारे हाथ क्या लगेगा, बाबा जी का ठुल्लू। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिंदगी के मजे ले और टेंशन वेंशन छोड़। क्या बात कर रहे हैं यार? अबे भाई सॉरी 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 यार, सॉरी सॉरी। अबे कर दिया ना पेंचर। भाई तुझे पता है कि वो हमारे हाथ से जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है भाई कि तू मुझे किसी और के लायक भी नहीं छोड़ेगा। सॉरी यार सॉरी, गुस्सा आ गया था उन दोनों नेताओं के बारे में सुन के, इसलिए एकदम से उठ गया यार। सॉरी सॉरी। अच्छा ठीक है, तो फिक्र मत कर, मैं कल अपने वाले से जाकर मिलता हूँ और उससे बात करता हूँ कि उसका क्या प्लान है। बेबी, लो। हुआ क्या है तुम्हें, इतनी परेशान परेशान सी क्यों लग रही हो? अमन दो चीजों को लेके मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। जैसे? जैसे तुम ओसामा हो, मैं ओबामा हूँ। और दूसरा? दूसरा तुम्हारा काम। अमन ये किसिंग बूथ कौन चलाता है यार? मैं चलाता हूँ बेबी। ये आजकल के ना लैला मजनूओं को दुनिया की नजरों से कतई दूर एकांतवास में मन की शांति के लिए अगर मैं उन्हें एक महफूज किस करने के लिए जगह दे रहा हूँ तो उसमें क्या बुरा है यार, तुम ही बताओ। वो सब तो ठीक है अमन, तुमने मुझे तो समझा दिया, मगर ब्रिगेंजा आंटी का क्या, उनको कैसे समझाएंगे? मान लो एक बार मैंने उनको डैड की शर्त के बारे में बता भी दिया, पर डैड की शर्त कुछ इजी नहीं है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? बेबी तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह मैं तुम्हारे डैड की शर्त पूरी करने में ना जी जान लगा दूंगा। बात वो नहीं है अमन। तो क्या बात है बेबी? मुझे क्या लगता है ना कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। अमन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो बताओ ना। एक बार फिर हमारी पार्टी को चुनिए। हम तो 5 सालों से सत्ता में हैं, लेकिन उससे पहले 10 साल तक ये संतरा पार्टी ने आपके ऊपर राज किया। अमन मेरे बड़े पापा बहुत बड़े नेता थे,
उनकी एक बेटी थी मारिया, जिसका जिसका एक लड़के से अफेयर हो गया था। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था अमन, लेकिन एक दिन अचानक मारिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ हम सबको छोड़कर चली गई। छोड़ के चली गई मतलब भाग गई, लेकिन क्यों? काम क्या करते हो? क्या सर, काम की तलाश में आपको पता है टैलेंटेड लोगों को जल्दी काम नहीं मिलती है ना। वेरी गुड, फाइन, एक्सीलेंट। क्योंकि वो दोनों हम दोनों की तरह इंटरकास्ट थे अमन, और अंकल इंटरकास्ट मैरिजेस में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। और फिर एक दिन मारिया को लगा कि उसे उस घर में रहते हुए अपना प्यार कभी नहीं मिल पाएगा, और उसने घर छोड़ने का फैसला ले लिया और वो चली गई। अंकल ही सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है अमन, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। अमन, अमन, क्या समझ रखा है मुझे? समझ क्या रखा है मुझे? हाँ, मैं क्या कोई भड़वा हूँ जो किसी भी नेता के सामने कुत्ता बन के घूमूंगा? जब वो बोलेगा भोंकूंगा, जब वो बोलेगा काटूंगा, और जब वो बोलेगा उसके आगे पीछे दो मिलाता घूमता फिरूंगा। मैं एक सच्चा क्रांतिवीर हूँ, किसी भी दो कौड़ी के नेता के आगे मैं झुकने वाला नहीं हूँ। हाँ, चाहे वो तेरा बाप हो, चाहे वो मेरा बाप। अमन, how dare you say this about my dad, huh? अमन, तुमने मेरे डैड के बारे में ऐसा क्यों कहा? अमन, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया बेबी, जीसस की कसम। वो मेरे को बचपन से एक बीमारी है। बीमारी? ओ गॉड, मैं क्या करूँ? बेबी। बेटा क्या प्रॉब्लम है? इस हाथ को देखो ना, काम करना बंद कर दिया इसने। ओ, तुम्हारा हाथ है या 1,000 रुपए का नोट जो अचानक बंद हो गया? डॉक्टर साहब, जब मैं गिरा ना तो तब तक ठीक था, उसके बाद एकदम से बंद हो गया। ठीक कर देते हैं, जल्दी ठीक करो, जल्दी। ओके, हम सब ठीक कर देते हैं। गब्बर, गब्बर, बहुत दर्द हो रहा है। तो यही खड़ा है, जा बेटा मेरे ड्रॉट से ना वो खिलाने वाला हथियार लेकर क्या। गो 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 गो। बहुत अच्छा लड़का है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? एक ही पीस मिला है, कट पीस में मिला है। बेबी, तल्लूल डॉक्टर तुम्हें कहाँ से मिला? कोई बात नहीं बेबी, अभी इलाज करवा लो ना। थैंक यू, जल्दबाजी में यही मिला। बेबी इतना बड़ा, जितना बड़ा लोगे उतनी जल्दी फायदा होगा। बिल्कुल तैयार हो? नहीं। रेडी, 1, 2, 3। अम्मी, आप सबसे अनुरोध है कि इस बार संतरा पार्टी को जिताएं, भारी बहुमत से विजयी बनाएं। धन्यवाद भाइयों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चुनाव में हमें भारी मतों से जिताएं। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ इलेक्शन की तैयारी करो बस। और हमें भारी मात्रा में वोट दीजिए। संतरा पार्टी, संतरा पार्टी, संतरा पार्टी। हमें तो 5 साल आपने अपनी सेवा करने का मौका दिया था। अरे खान फेंकी ऐसी गुंडे सरकार को। जब जफर के आदमी आए तो तूने बोला जफर को वोट दूंगा, और अब ओबामा के आदमी आए तो तूने बोला ओबामा को वोट दूंगा। क्या है भाई, कुछ समझ नहीं पा रहा भाई मैं। अबे यार, जिस तरीके से ये लोग गंदी पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, वो तो है, उसी तरीके से मैं इनके साथ भी पॉलिटिक्स खेल रहा हूँ भाई। कुछ बताओगे क्या हुआ है तुम्हें? जो तू बता भाई। नहीं भाई, तेरे साथ हुआ है तू ही बता। मेरा तो उस डॉक्टर हिलाने वाले का मर्डर करने का मूड कर रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तेरी वाली से हम दोनों पहली बार मिलेंगे और ये सब हो रहा होगा हमारे साथ। मतलब
यार ये मतलब छोड़ो, अमन तुम बताओ ना यार हुआ क्या है? ये हुआ है मेरे साथ। ये जो राइट हैंड जो करता है ना, हाँ? ये लेफ्ट हैंड उससे उल्टा करता है और वो भी बहुत जोर से करता है। कंफ्यूज आ गई ना? रुको विस्तार से समझाते हैं। खाना खाते वक्त ये हाथ चम्मच उठाता है तो ये वापस रख देता है। नहाते वक्त इस हाथ से टैप खोलते हैं तो ये वापस बंद कर देता है। 3 दिन से नहाया नहीं हूं मैं। और तो और टॉयलेट में इस हाथ से मग्गा उठाता हूँ तो ये वापस रख देता है। इस हाथ से साबुन उठाता हूँ तो ये हाथ साबुन वापस रख देती है। ना ढंग से नहा पा रहा हूँ, ना ढंग से खा पा रहा हूँ, ना ढंग से धो पा रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, पर जॉय तुम्हारे बाथरूम में तो जेट सिस्टम है ना? अरे वो भी खराब हो गया है मेरी माँ। मुझे ही पता है मैं कैसे धोता हूँ। मेरा दर्द यहाँ कोई नहीं समझ सकता। पता है जब कॉन्शियसली लेफ्ट हैंड से काम करता हूँ ना तो राइट हैंड बिल्कुल सही काम करता है, बिल्कुल नॉर्मल। पर जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ओ जीसस, पता नहीं हम पे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। अमन अब क्या करेंगे हम? करना क्या है, चलकर उस कमीने डॉक्टर का बैंड बजाएंगे और क्या। बिल्कुल हाँ? साले ने मुझे ऐसा इंजेक्शन लगाया कि मुझे ये सब बीमारियां लग गई। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अमन वो सब तो बाद में देख लेंगे ना, बट अभी तो लेट्स एंजॉय। जॉय, लेट्स एंजॉय। धक करता है हर पल, देखो मचलता है, देखना आगे पीछे जाने कितने रंग बदलता है। सीने में धक धक करता है। पटक करता है हर किसी पे मरता है, ब्रेक न लगे इस वेग भी अफरा तफरी में रहता है। उड़ा उड़ा सा रहता है, क्यों बेफिक्री में जीता है, काहे तो करे यूं बदमाशी, मस्ती खोरे में रहता है। ये नहीं तो तू सही, तू नहीं कोई और सही। दिल जुगाड़ू दिल जुगाड़ू दिल जुगाड़ू है ना, दिल जुगाड़ू दिल जुगाड़ू दिल जुगाड़ू। फड़ फड़ फड़कता है, बॉस बन के जीता है, देखे कोई पीस जरा हट गए, उछला उछला सा फिरता है। तू उलझा सा रहता है, क्यों दिन में तारे गिनता है, मिलेगी ना कोई मुझसे ब्यूटी, दूर दूर क्यों रहता है। ये नहीं तो तू सही, तू नहीं कोई और सही। तो अबे तेरी अबे कहाँ है डॉक्टर साले? साले बच जा, मैं अपना दायां हाथ ठीक करने आया था, तूने मेरा बायां बेकार कर दिया। अबे जब से तूने इलाज किया है रोज कुछ ना कुछ खड़ा ही हो जाता है। मैंने कोई इनविटेशन भेजा था कि मेरे पास आओ और इंजेक्शन को लगवाओ? ये कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, ये तो कोई पागल साइंटिस्ट है। हाँ क्या ये? डॉक्टर साहब के पास तो डिग्री है। खराब कर दी डिग्री नहीं है तेरे पास। हम जीत गए गब्बर, हम जीत गए। चल बेवकूफ।
सरकार आप सबको हिलाते हैं ना, ये तो आपको हिला गया। बहनों भाइयों, ये जो विपक्षी पार्टी है इनका जो चरित्र है इनके नाम की तरह है, संतरा पार्टी। जैसे हम संतरा खाते हैं ना, मुंह में कोई बीज आ गया तो क्या करते हैं, थूक देते हैं। थूकते हैं कि ना, सही कही कि ना कही? सही कही, सही कही। तो भैया इनका चरित्र ऐसा ही है, ये आप लोग इनके साथ ऐसे ही करते हैं। इस बार दोबारा से आप हमें आने का मौका दें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। और यहाँ आप ही के बीच के अमन ओसामा, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप तैयार हो? जी सर, जाओ। रेडी मित्रों, आज हम सब इकट्ठा हुए हैं ओबामा जी के समर्थन के लिए। तालियां। आने वाली 6 तारीख को आप सब हमारे गरीबों के मसीहा, कर्म योगी, कर्मठ नेता और हम सब मुसलमान भाइयों के चहेते सागर ओबामा जी को फिर से सत्ता में ला सकते हैं। गुंडा राज का खात्मा होगा, भ्रष्टाचार, बलात्कार सब बंद कर दिया जाएगा। आगे क्या था? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे यार, इसको बांध के आना मैं भूल गया। अरे समझा करो उसे। आ गए इस बड़े की रैली देखने। ये आएगा, खड़ा होगा, हाथ जोड़कर वोटों की भीख मांगेगा, मुस्कुराएगा और तुम ताली बजाओगे। ताली हिज रहे हो तुम, बजाओ। गुलामी करने की आदत हो गई है तुम्हें। पहले तुमने अंग्रेजों की गुलामी की, अब कर रहे हो इन भ्रष्टाचार नेताओं की। इनके राज में आटा महंगा हो गया है, डाटा सस्ता हो गया है। ध्यान से देखो इनकी शकल, तुझे व्यायाम जैसी शकल है और नाम रखा है पार्टी का कच्चा आम पाटे। ये कच्चा आम तुम्हें चुसा चुसा कर तुम्हारे दांत खट्टे कर देंगे। समझा गौरव से। भाइयों, इनके जैसा हमदर्द अच्छा नेता आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ओबामा जी को कृपया अपने भारी मतों से जिताइए। अरे लाहौल वाला कुकत, अरे ये क्या लगा रखा आप लोगों ने ये? अरे ये भैया ये कोई पागल वाला होता है, हमें ऑफिस से छुट्टी लेकर टाइम वेस्ट करने नहीं आए। चलो 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 चलो, आप सब लोग रुक जाइए, आप सबको एक एक किलो आम का अचार मिलेगा। हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा है यार, मुझे हो क्या जाता है यार, कुछ भी वक्त देता हूँ। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग आ गए हैं यार। अब लगता है ना वो ओबामा का बच्चा इस ओसामा की लेकर ही मानेगा। किसका मैसेज है साला? तुम चुप नहीं बैठ सकते थोड़ी देर? अबे पकड़ो यार इसे थोड़ी देर, और टाइट से पकड़ना। ठीक है भाई, कैरी ऑन। अबे क्या मुसीबत है यार, पता है क्या कह रही है? क्या कह रही है भाई? कह रही है कि बांध कर आना इस हाथ को किसी खूंटे से। भाई बांध कर आना इस हाथ को किसी खूंटे से, कोई जाके समझाए उन्हें। चलो हमारा हाथ है कोई कुत्ता नहीं जो बांध आए किसी खूंटे से। भाई तेरी ये इंस्टेंट शायरी वाली आदत गई नहीं अभी तक? अबे क्या करूं यार, निकल ही जाती है। भाई शायरी है टट्टी। अबे तुम भी ना, मुंह में आए बक देते हो, जी में हक देते हो, कतई गोला हो रखे हो। अबे गोला कौन है भाई? हमारा आगरे का दोस्त है। अबे वो तुम्हारी तरह है, कुछ भी बक देता है। अबे तो दया लाले, अबे रुक। अबे यार ये तो खत्म हो गई, चलो इसमें देखता हूँ। इसमें क्या है? ये ले ये ले ये ले, अब ये है तेरा बाप बंदर छाप। अब देखता हूँ कैसे छूटेगा। Love you. अरे क्या बात है? Hello? हाँ जी। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तेरी चौखट पे खड़ा है ये आशिक कुवारा। अरे गेट तो खोलिए जनाब। मैं आ रही हूँ। तो फाइनली तुम आ ही गए। हाँ। चलो अंदर चलो। चलिए।
क्या लेके आए तुम आंटी के लिए? तुम अमन, ये क्या लेकर आ गए तुम? इनमें क्या प्रॉब्लम है बेबी? देखो ना कितने क्यूट हैं, हाँ? और जिस गिफ्ट शॉप में मैं था ना, उसमें सबसे प्यारा गिफ्ट यही था। वैसे भी डॉग्स आर मेंस बेस्ट फ्रेंड। अमन, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। क्या? आंटी को डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट उनको तो पेट्स कभी पसंद आए ही नहीं है। उनका मानना है कि पेट्स बहुत गंदगी फैलाते हैं, इसलिए आज तक हमारे घर में एक भी पेट नहीं रहा है। अगर उन्होंने तुमको इनके साथ देख लिया ना, तो वो तुमको इनके साथ धक्के मार के बाहर निकाल देगी। तो ये बात पहले नहीं बता सकती थी? तुम्हारे पूरे शहर ने कसम खाई है कि आगरा के शरीफ लौंडे की लेनी लेनी है। अरे आई एम सो सॉरी ना, मैं भूल गई थी। अब एक काम करो, तुम इनको यही कहीं छुपा दो। साइड ऑफ, हाँ यहाँ पे छुपा दो। बेटा तुम यही रहना, चलो जल्दी करो। चलो चलो। ओके दिस इज माय हाउस। वाह यार, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। बिल्कुल तुम्हारी तरह। बैठो। इस बीच की दीवार को हटा दो और हमें पास आने दो। हेलो आंटी। अमन। हेलो डियर, प्लीज सिट डाउन। तो मैगी, इंटरव्यू शुरू करें? यस, एंड आई एम श्योर अमन इज प्रिपेयर्ड। एक तो इस हाथ ने कर रखा परेशान, ऊपर से तेरी मोहब्बत में इम्तिहान पे इम्तिहान, इम्तिहान पे इम्तिहान। डोंट वरी, हो जाएगा। ओके आंटी, सो लेट्स सेट अप अ कोर्ट रूम। ओके, शी विल बी द जज, ही इज द कल्प्रिट एंड आई विल बी द लॉयर। करें? करो। समझ में नहीं आ रहा, मोहब्बत की है गुनाह। ओके, सो द सेटअप इज रेडी, यू कम हियर। आता हूँ आंटी, ब्लेसिंग। बेस्ट ऑफ लक डियर। ओके ओके। मेरे हाथ पे अपना हाथ रख के कसम खाओ। तुम्हारे हाथ पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। Okay, Andy. So let's start the interview. Okay. First question. Tumko Chinese, Continental aur Thai banana aata hai? Thai? Kyunki hamara Maggie ko to Maggie banana bhi nahi aata. Aye hai, ye kya bala hai? Aunty, main wo YouTube channel pe seekh raha hu na. Oh. Aise fatafat bana lunga. Acha? Haan. Kaun sa YouTube channel hai ye? Christian Kadi Chawal. Christian! Christian Kadi. Christian Kadi. Yup. ओह गुड गुड। अच्छा तुमको झाड़ू पोछा साफ सफाई करना आता है? क्योंकि हमारा मैगी को सफाई बहुत पसंद है। झाड़ू पोछा? हाँ आंटी, ऐसे झाड़ू पोछा तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। ओह, और मैगी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी? हाँ, लॉन्ड्री भी। Why not? Final. Okay, good boy. हमारा मैगी बहुत जल्दी बोर हो जाता है, तुम उसको एंटरटेनमेंट के लिए क्या करेगा? कैसे एंटरटेन करेगा? My lord, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस कटघरे से बाहर आकर दोनों मोहतरमाओं को एंटरटेन करूं। Sure, permission granted. Listen, Maggie, do you have हरा दुपट्टा? I'll just get it. Okay. Oh, it's here. Please help me. क्या आप दोनों मेरे लिए गाना गाएंगी? कौन सा? अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, अरे मेरे अंगने में। अरे जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, अरे कमरे में बैठा दो बिजली का क्या काम है। आय हाय हाय, अगर इंटरव्यू खत्म हो गया हो तो सैलरी डिसाइड कर लें। सैलरी मतलब जॉब पक्की? अरे ये पॉपी घर में कैसे घुस गया? आंटी, जब मैं बहुत खुश होता हूँ ना तो मैं ऐसी आवाज निकालता हूँ। रियली?
पर एक बात बताओ मैन, तुम इतना खुश क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इंटरव्यू में क्लियर हो गया हूँ, इसलिए। किसने बोला तुम इंटरव्यू में क्लियर हुआ? अरे दो-दो पापी का आवाज किधर से आ रहा है? आंटी, जब मैं बहुत खुश होता हूँ ना, तो मैं और मेरी अंतरात्मा एक साथ आवाज निकलती है, एक साथ। ओह, यंग मैन, तुम अपनी अंतरात्मा से बात करता? यस। वेरी इंटरेस्टिंग। मैगी, आई थिंक ये लड़का तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि खाना बनाना सीख रहा है, झाड़ू पोछा भी कर लेगा और एंटरटेन भी कर लेगा। यू आर सिलेक्टेड बॉय। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सो स्वीट ऑफ यू आंटी। तुमने हमको थप्पड़ मारा? नहीं आंटी, आई एम सॉरी आंटी, आई एम रियली वेरी सॉरी। पता नहीं ये जेब से बाहर कब निकल गया मैगी। ओह, यू स्लैप मी। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आंटी, मैं आपको इसकी एक्सट्रेंज बीमारी के बारे में बताना तो भूल ही गई। जो इसका लेफ्ट हैंड करता है ना, राइट हैंड उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करता है। किसी को किसी के बारे में पूरी बात क्यों नहीं बताती हो मैगी? आई एम सॉरी। यू स्काउंडल, रिमूव योर हैंड एंड गेट आउट ऑफ माय हाउस। आर यू फाइन आंटी? भाई तूने तो बुढ़िया मार ही दी थी। भाई तुझे बहुत हंसी आ रही है ना, हंस ले बेटा, हंस ले। यहाँ मेरे रिलेशनशिप में फफूंदी लग रखी है और तू हंस रहा है? बेटे वो तो मैगी है जो मेरी प्रॉब्लम समझती है, वरना तो हम दोनों यहाँ बैठ के ब्रेकअप सॉन्ग्स गा रहे होते। यार जी तो चाहता है इस हाथ को माँ बहन की मोटी मोटी गंदी गंदी गालियाँ दूँ, पर क्या करूँ भाई, घूम फिर के लगेंगी तो मेरे को ही ना। भाई समझ नहीं आता है, इस बंदर छाप केमिकल को जहाँ चिपकना चाहिए था वहाँ चिपका नहीं, जहाँ नहीं चिपकना चाहिए था वहाँ चिपक गया। भाई ऐसी फटी में तेरे को शेर याद नहीं आ रहा? भाई तुझे शेर की पड़ी है या निफ्टी का आता पता नहीं है। अगर तू कहता है ना तो भागते भागते एक शेर अर्ज है। भागते भागते इरशाद, इस दर्द दिल में फफूंदी लगी है यारो। ये दिल है या अचार? भाई आजकल अचार ही हो रखा है। इस दर्द दिल में फफूंदी लगी है यारो, और तुम खिलखिलाने की बात करते हो, यह अलग से निवाला नहीं उतर रहा है, और तुम गम भुलाने की बात करते हो। वाह मेरे सड़क छाप शायर, वाह। भाई एक नया राड़ा और, उन दोनों ससुरों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों भाई हैं। भाई नहीं तो ना तेरे भाई का घर जमाई बनने का सपना ना सपना ही रह जाएगा। सही कह रहा है यार। भाई मैं एक राउंड और लगा के आता हूँ। लगा क्या? यहाँ भी लगी। हाँ भाई गोले। हाँ मेरी जान, क्या हाल? अबे तुम विक्रम और बेताल हैं, कहाँ फट रहे हो? कहीं नहीं यार, आगरा में ही फट रहे हैं। तुम बताओ कहाँ? भाई लग रहा है ना मोहब्बत में आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं। रिटर्न तो क्लियर हो गया, इंटरव्यू में रह गए यार। अबे जिस तरह आगरा में फेमस अमन गोले की जोड़ी है ना, ग्रेटर नोएडा की हर लड़की भाई की इज्जत करती है। गोले तुम गोले की स्पीड से यहाँ नोएडा आ जाओ यार, तुम्हारी बहुत जरूरत है यार। चिंता क्यों कर रहा है यार, हम तो फालतू बैठे हैं यहाँ। आ रहा हूँ मैं। अबे 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 जॉय, लेट्स एंजॉय। भाई तेरा भाई ठीक हो गया? भाई तेरा भाई ठीक हो गया? भाई तेरा भाई ठीक हो गया? भाई भाई तेरा भाई ठीक हो गया? तेरा भाई ठीक हो गया? तेरा भाई ठीक हो गया? भाई राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अबे सारा डैंड्रफ यहीं झाड़ दे। भाई झप्पी पा, तेरा भाई ठीक हो गया? भाई नहीं पा सकता झप्पी। भाई को क्या हुआ? भाई तेरे को पता है ना मेरी प्रॉब्लम, मेरा कुछ नहीं हो सकता यार। भाई तेरे को ना मैं सही वाले डॉक्टर से दिखाऊंगा। मैगी व्हाट नॉनसेंस, तुम अभी तक उसका फोटो देख रहे हैं? तुमने इससे मिलना बंद नहीं किया? आंटी आई लव हिम और मैं उसको नहीं छोड़ सकती। देखो हमने मना कर दिया है, हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट आंटी लिसन टू मी एटलीस्ट। नो का मतलब होता है नो। सनी कमिंग आंटी, कमिंग। कम हियर फास्ट। यस आंटी। ये लड़का का चेहरा ध्यान से देखो, तुमको इस पे नजर रखना है, ये मैगी से नहीं मिलना चाहिए। आंटी आंटी इज द सेम बॉय, याद आ गया मुझे, ये तो बहुत बहुत पागल लड़का है, इसने डैड के इलेक्शन प्रचार खराब कर दिया था उस दिन। इस प्योरली प्योरली मैग, ये तो पूरा पागल है। सुना तुमने? अब तो और नजर रखूंगा इस पे। ओ मेरी प्यारी बहनिया, देखता हूँ तू कैसे बनेगी उसकी दुल्हनिया। Who are you, हाँ? अमन को पागल बोलने वाले तुम कौन होते हो? मैं तेरा भाई हूँ, मेरा फर्ज बनता है ये। फर्ज के लगते खुद को तो संभाल ले पहले। Nobody listens to me here. What is wrong with you, Maggie?
आंटी मैं उस पर नजर रखता हूँ, देखो हाँ। कैसा बचता मुझसे। माय गॉड जीसस, कैसा बच्चा लुक दिया मेरे को। एक की तो लव स्टोरी ने मुझे हिला दिया और दूसरा हिलना ही नहीं बंद करता। आज तो ठोक ही दूंगा ससुरे को। ठोक दे। कहाँ मारू? 22 के नाक पे दे नाक पे। ये ले। फिर से लगा, फिर से। कौन है भाई? लगता कोई आया है। मैं देखता हूँ। जा देख। ठोक गए? ओए, ओए, कौन है तू? हैं? अबे सुलभ शौचालय नहीं, घर है मेरा। अबे जो है, अबे कौन है बे? पता नहीं भाई, बाहर से आया और सीधा अंदर घुस गया। बैग किसका भाई? उसी का ही होगा भाई। भाई बाहर निकलने दे साले को। निकलने दे। अभी देखते हैं। आ रहे। मजा आ गया, आनंद आ गया। मैं तो कह रहा हूँ तू क्या बात है, हटो भाई से जरा, क्यों खड़े हो? अबे गोले तुम अंदर क्या कर रहे थे बे? जलेबी तल रहे थे, देखोगे? हैं? अबे यार टट्टी कर रहे थे। ओ जी जी जी, हमेशा गंदी बातें किया करो तुम। अच्छा साले, टट्टी करने में शर्म नहीं आती, बोलने में आती है। हाँ। अबे टट्टी टट्टी सब करें, टट्टी बोले ना कोई, ठाई आखर टट्टी का करे तो सुकून हुए। आ, मैं तो कह रहा हूँ आनंद आ गया, समझे? अबे नहीं समझे। अबे आंख बंद करो, समझाते हैं। लो कर ली। तुम भी कर लो आंख बंद, अकेला समझेगा। अब जरा सोचो, टट्टी का दरवाजा बंद है और तुम्हें बहुत जोर से प्रेशर आ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, ओह अब आधा घंटा हो गया। अब अगर दरवाजा खुला तो टट्टी करने पहले कौन जाएगा? तुम तो अंदर जाने के लिए क्यों लड़ रहे हो? हाँ अबे गोला। गोला? ये गोला कौन है? अरे वो मेरे बचपन का मित्र है, आगरे से है, हमारी कैंपेनिंग में मदद करने। दैट्स नाइस, बट गाइस आई रियली थिंक यू नीड अ ब्रेक। हां लुक, तुमने अपनी हालत क्या बना ली कैंपेनिंग करते करते। सही कह रही हो यार तुम। वी नीड अ ब्रेक। या यस शी इज राइट, ब्रेक तो बनता है। मानू जेब विच रख जीले, हो गड 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 पीले, गड 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 पीले, हो गड 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 पीले, मुफ्त की मिले तो बस खींच ले, मौज ले मौज ले मौज ले मौज ले मौज ले, फिर न मिले तो आज खोज ले खोज ले मौज ले। नशा जो मेरा गट गट पीले, छूले जो लेकर को जो एक बारी छूले, हो मस्ती तो अपनी साड़ी फुल फ्लो चलेगी, इश्क दी गुटी अब सबको चढ़ेगी सबको चढ़ेगी, रे मुफ्त की मिले तो बस खींच ले मौज ले मौज ले ओ मौज ले मौज ले मौज ले, हिल जोल मौका मिले तो खींचे थोड़ी सी और वे थोड़ी सी और वे, अरे मुफ्त की मिले तो बस खींच ले मौज ले मौज ले मौज ले मौज ले मौज ले, खींच ले मौज ले मौज ले मौज ले मौज ले मौज ले, बेबी पार्टी अच्छी थी, मजा आया। हाँ। इसको देखो बूटी मैन अलग ही है।
से। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा है यार? अबे यार एक तो वैसे ही। ओहो, ठीक हो? ठीक हो गया। भाई, ओ भाई मैं ठीक हो गया। ओ भाई मैं ठीक हो गया भाई। तूने लात क्यों मारी? अबे यार। अबे क्यों मारी? रीजन है। बता। अबे क्या, देख मेरी दादी है ना, वो कहती है बेटा तू उल्टा पैदा हुआ है, और जो आदमी तुम्हें मालूम है जो उल्टा पैदा होता है ना, वो किसी को लात मारे ना तो उसका दिमाग ठीक हो जाता है। ये तो फिर भी पिछवाड़ा था। रोली? ताली? उल्टा आदमी। क्या कर रहा है यार? टाइमिंग नहीं लेते ना तुम यार। ये गलत टाइम पे ताली देता है भाई। जिंदगी में ना उस चूसे में आम ने और दूसरा उस फुग्गे ने भाई गोले जिंदगी झंड कर रखी है यार। उठा लेते हैं, पता कौन है। सही बोल रहा, किडनैप करवाते हैं। किडनैप? अमन, हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस फॉर माय फादर। और एक बात बताओ, तुम दोनों ने दारू पिया तो इसका मतलब तुम लोग कुछ भी बोलोगे। हाँ गंदे, चलो घर चलो। आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज ग्रेटर नोएडा के विधायक सागर ओबामा और भूतपूर्व विधायक जफर अब्बासी को किडनैप कर लिया गया है। शाहीन। हाय मैगी। हाय। अच्छा सुनना, तेरी जॉय से कोई बात हुई क्या? नहीं। तेरी अमन से बात हुई? नहीं, मेरी अमन से कोई बात नहीं हुई, और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। आई मीन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। जॉय का कुछ पता है? नहीं यार, पता नहीं कहाँ है वो। हाँ भाई, कहाँ नाम है तेरो? सर मैं मंत्री जी का आदमी हूँ, पीए हूँ सर। चश्मा लगा रखो है, कहाँ नाम है तेरो? मेरा नाम खंडूरी है सर। सारा जगह के ना तेरा नाम पूछ रहे हैं। सर मेरा नाम खंडूरी है। हाँ, माँ का नाम क्या है भाई? सिंदूरी। और बाप को? तंदूरी। सारा तभी भटूरी जैसा दिख रहा हूँ। सारा रेस्टोरेंट है। पूछ ऐसा पूछ। अच्छा मुझे बताओ भाई, नेताजी का किडनैप किन्हें करो? सर अब नेताजी राजनीति में है तो उनके तो 70 दुश्मन पैदा हो जाते हैं ना। 72 का दिख रहा हूँ मैं। 71 भूल रहे हैं, 71 भूल रहे हैं। अरे पंडित के लदो के बराबर है सारा भटूरो। अच्छा जी बताओ भाई, नेताजी का जब किडनैप हो तो तुम कहाँ थे? सर वो क्या हुआ कि नेताजी को जनता को अचार बंटवाना था। अच्छा, तो मैं वो अचार बांटने चला गया। मौज ले नेताजी, और खटाई तुम बांटो। इंस्पेक्टर साहब, थैंक गॉड आप लोग आ गए, मुझे आपका ही इंतजार था। ओए होए रे, मैं तो उसको कह रहा हूँ आज हाथ में खुजली हो रही है। पैसा मिलेगा पैसा। पैसे ना मिले साले खर्चा होएगा, गोवा की 2 टिकट बुक करवा दे। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, मेरे डैड का किडनैप हुआ है, आप लोग प्लीज जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करिए। अरे मैडम 2 मिनट में तो मैगी बना बनती, वहाँ में भी 5 मिनट लगे। अरे पंडित, आज तो तेरे हाथ में अलग सी फीलिंग आ रही है यार। हाथ में? अरे हटा मत, रख ले यार, पीछे देखो। एक्सक्यूज मी, आपको मैगी का डैड के बारे में पता चला? अरे मैडम जी तुम चिंता ना करो, तुम सुहागा नहीं मरोगी, उन्हें हम ढूंढ लेंगे। क्यों पंडित? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, शी इज नॉट माय मॉम, शी इज माय केयरटेकर। का कह रही हो भाई? जो देखभाल करत है। जस्ट तू करे मेरे ठेके पे। अरे मेरी बेटी तंदूरी यहाँ पे सके तो ना? वो तो यहीं पे पूरा सके। रंडा, आप किससे पूछताछ कर रहे हैं? ये तो हमारे घर का आदमी है। अरे मैडम घर का आदमी लंका ढाबा है आजकल। देखिए आप लोग बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इनको यही रहने दीजिए। अच्छा चल भाई पंडित, चल चल चल। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया है? हाँ आई थिंक मुझे पता है कि किडनैप किसने किया है। किसने? एक्सक्यूज मी हैंसम्स, तो आपको किस पर शक है? भाग, सीधे सीधे खड़ा रहो, सीधे खड़ा रहो, सीधे। अरे पंडित इनका सीधा ऐसे हुआ है। वैसे मुझे एक बात बता, या की बरात जाएगी क्या आएगी? हाँ भाई शराब पिए ये तो। अरे पंडित डर जा, तो आपका क्या विचार है? देख लाली मतलब लाला, अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, हालांकि हमें 2 लुंडान पर सके।
जैसे चीजें क्लियर शक है शक जैसे चीजें क्लियर होंगी हम अपग्रेड करेंगे ठीक है कैमरा रॉबिन के साथ रानी सर दो प्रत्याशियों का अपहरण हो जाता है पुलिस इसमें क्या कर रही है देखिए अभी मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं जैसे पता लगेगा तो आपको जरूर बताएंगे ठीक है आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है सीधा पॉलिटिक्स के अखाड़े से जहां ग्रेटर नोएडा के आगामी चुनावी नेता सागर ओबामा और जफर अब्बासी की किडनैपिंग कर ली गई है इससे चुनावी बाजार का माहौल काफी गर्मा गया है पुलिस को पूरा शक है कि इस किडनैपिंग के पीछे पार्टी के ही कार्यकर्ता अमन और जॉय का हाथ है देखते हैं कि ये कहानी कहां मोड़ लेती है क्या पुलिस का शक सही निकलता है या इसके पीछे किसी और का हाथ है हेलो क्या हो गया बेटा हो या नहीं होने वाला है क्या बकवास कर रहा है यार उन दोनों नेताओं का किडनैप हो गया है और नाम तुम दोनों का आ रहा है क्या अबे यार क्या कर रहा है आप में सोने में रिपोर्ट कहाँ है हमारे पीछे कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं हाँ जी आप क्या कहते हैं क्या हुआ भाई उठ भाई भाई उन दोनों का किडनैप हो गया भाई आपके नेताजी किडनैप हो गए आपको कैसा लग रहा है हाँ कसम बहुत बुरा लग रहा है किडनैप पर छोड़े नहीं जाएंगे फिर तो फंस गए यार बहुत बुरा फंसे भाई क्या करे भाई भाग अबे गोले बाहर निकल अबे गोले बाहर निकल क्यों चिल्ला रहा है अबे जल्दी आ अबे क्या है साले टट्टी पे ढंग से नहीं करने देते हो तुम लोग अबे जेल में आना पड़ेगा पुलिस आ गई है भाग अबे हराम पर हाथ नहीं धोए अबे सब जय घर है अरे घर ना है पगलैट यू पंडित ये तो कोठी है पर है जय अच्छा मुझे एक बात बताओ हाँ जे पुलिस वाले सायरन काहे बजाते अब तने काम की बात पूछी बेटा यू हमारे लिए लगा जावे काहे या से हमारा काम आसान हो जावे वो काहे अरे कोई ना मिलने को ऊपर का कह रहे हैं आओ चलो भाई चलो चलो आओ आगे के हो जाओ तुम्हारा दलिया बंधुआ अलग से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हाँ भाई कोना कोना छान मारो रसोई का और देखो कुछ खाने के लिए पड़ो कि ना पड़ो जाओ देखो रे कहाँ मर गो पंडित आ रहे सब जी आ जा कहाँ कहाँ बैठे हैं पंडित कहाँ जीम रही है पंगत पंडित बता सब जी खबर तो पक्की थी अच्छा वहाँ देखिए कुछ है तो ना ओहो पहन दे यूज दे आ जा जे जे तो भाई दोनों ही नेता है ओहो हो या का मतलब उन लोनियों का शक सही हो हाँ है? और जिनके फोन भी दोनों के बंद पड़े हैं अच्छा फोन भी बंद पड़े हैं तो या का मतलब उन लोंडन ने उन नेता ने ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर लियो हाँ मुझे तो ऐसे लग रहा हूँ तो भाई ये तो बात गंभीर है हम चुप क्यों रहे हैं यार भाई ससुरा किडनैप हो गया हैं? कौन ससुरा किसका ससुरा बे अबे हमारे ससुर और इसके ससुर हाँ। को किसी ने किडनैप कर लिया हाँ। बात बहुत खुशी की है पर नाम हमारा आ गया अबे यार, यार सुबह से एक परेशानी अटकी पड़ी है तुमने एक और दे दी यार साला चांद गले में अटकी हुई है और तुम हगने की बात करते हो भाई तो वही बात हो गई यही मंजर देखना बाकी रह गया था तेरे इश्क में साला आशिक बनने आए थे कुत्ता बना के छोड़ दिए भाई वो सब तो ठीक है लेकिन पुलिस से हम और ज्यादा भाग भी तो नहीं सकते अब तो और भी ज्यादा शक हो गया होगा हम पर एक काम करते भाई हम ना पुलिस के पास चलते और जाके सब बक देते हाँ। भाई हमने कुछ नहीं किया तुम्हें पता है ना हमें लड़के पे पूरा भरोसा तुम्हें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं हाँ और तुम्हें लगता है पुलिस हम तीनों को फूलों का हार पहनाएगी बेटा ये यूपी पुलिस है यूपी पुलिस बर्फ पे नंगा लिटा के जो सोटे बजाएगी कि साला हम तो क्या हमारा बाप भी ये कबूल कर लेगा कि उस ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने नहीं हमने मारा था ने? इसलिए सबसे पहले हमें खुद को बेगुनाह साबित करना हो उस असली किडनैपर को पकड़ के उस असली किडनैपर को पकड़ के अच्छा बेटे हैं साले लड़की पटाओ तुम मजे लो तुम हैं मैं पुलिस के पास क्यों जाऊं हैं ये तो वही बात होगी बेटा बच्चे पैदा तुम करो और डीएनए टेस्ट मेरा हो वाह ना ना भाई हमें तो मैगी की टेंशन हो रही है यार और हमें शाहीन की हमें पुष्पा की अबे ये कौन है वो है हमारी अबे यार तुम अपनी पे कंसंट्रेट करो ना यार अरे हाँ यार भाई हम उन दोनों को कांटेक्ट भी तो नहीं कर सकते
हमारा फोन भी तो ट्रैकिंग पे लगा हो सकता है। अभी गोला भाई तुम्हारा फोन तो ट्रैकिंग पे नहीं है यार, फोन दो अपना, फोन निकालो। अबे यार ये है ना टट्टी में वीडियो देखने की आदत ही बुरी है। अब टट्टी में वीडियो कौन देखता है भाई। अबे वो क्या है ना उस पर मैच आ रहा था लाइव इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जब प्रेशर में कोहली अच्छा कर लेता है तो हम नहीं कर पाएंगे। भाई जब यूपी पुलिस प्रेशर में देगी ना तो ना हक पाओगे ना बक पाओगे। अब चुपचाप उपाय बताओ करना क्या है। ठीक है एक काम करते हैं, तुम ना दोनों अंडरवियर मेरा मतलब अंडरग्राउंड हो जाओ। हाँ अच्छा हम अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करेंगे। तुम कतई हनुमान रखे हुए हैं, अब तुम इन्वेस्टिगेट करोगे और तक नहीं तुम ढूंढोगे हमारी सितार गीता को। इसी बात पे एक हक दो। सी यार हमेशा गंदी बात करो। अबे यार इंग्लिश वाला मांग रहे हैं हग। ठीक है फिर आओ इधर आओ यार हमें भी हग वालों। सुनो 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 हाँ, हाँ। एक काम करते हैं तुम अपने वाले से मिले जाओ, हम अपने वाले से मिले जाते हैं, और तुम मैं अपने वाले से मिले जाता हूँ। अबे नहीं बे है? तुम इन्वेस्टिगेट करो, तुम हमारे हनुमान हो भूल गए। याद है चलो नहीं किया नहीं तुमने। चलो 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 मैगी तुम यहाँ क्या करने आए हो। बेबी मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अरे मैंने किया क्या है। तुमने वो किया है जिसकी मुझे तुमसे कभी भी उम्मीद नहीं थी। और वैसे भी जॉय इंसान नशे में हमेशा सच ही बोलता है और वो सच तुमने साबित करके दिखाया है। बेबी मेरा विश्वास करो अगर मैंने ऐसा किया होता तो तुमसे मिलने यहाँ नहीं आता बल्कि पुलिस से कहीं छुपकर बैठा होता। आखिर हमारी तुम्हारे डैड से क्या दुश्मनी है। बल्कि वो हमारा किडनैप करवाकर हमें मरवा सकते थे कभी भी। मेरा विश्वास करो शाहीन, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे डैड का किडनैप करवा सकता हूँ। तुम पर विश्वास करने को दिल तो करता है लेकिन जब तक असली गुनहगार पकड़े नहीं जाते ना तब तक शक सिर्फ तुम पर रहेगा। अभी प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज, चले जाओ यहाँ से। अच्छा तो फिर ठीक है, जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर लेता ना तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। नेताजी तैयार हो जाइए जश्न मनाने के लिए वो तो जेल में चक्की पीसेंगे ही पीसेंगे अच्छा कल मिलते हैं साइड फाइव की कपड़ा फैक्ट्री में। अच्छा तो ये माजरा है, इन सबके पीछे कौन है ये तो कल ही पता चलेगा। भाई सुन जल्दी बता क्या बात हुई जल्दी बता यार। भाई सुन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आने वाला सूरज नई उम्मीदों के साथ निकलेगा। भाई क्या उम्मीद क्या सूरज क्या बक रहा है यार। ना देख मुझे गुनहगारों का पता लग गया है, अब हमें पुलिस से छिपने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई गोले का फोन है, बात कर। हाँ भाई गोले वहां जाके फट गया या फुस हो गया। अबे साले काय के फट गया, यहाँ पे खुद की फटी पड़ी है। मजे ले रहे हैं साले हैं, साले यहाँ पे पुलिस वाले हमारे मजे ले रहे हैं, ऐसे डंडा लेके पीछे पड़े हुए हैं। अबे लड़की वड़की तूने छेड़ दी वहाँ जाके। अबे लड़की नहीं छेड़ी है साले, खुद छेड़ गए और ऐसे छेड़े हैं ना कि। अरे भाई गोले बता तो क्या हो गया। अबे यार क्या है देख, यमन प्रॉब्लम में था उसे बचाने आए साला खुद फंस गए। तुम एक काम करो जल्द सवाल मत पूछो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आकर फंसना मेरा मतलब यहाँ पर आकर पूछना, जल्दी आ जाओ ठीक है। हेलो हेलो, अबे यार फोन कट गया। क्या हुआ। अबे यार अमन फंस गया ग्रेटर नोएडा में। क्या। हाँ हमें भी निकलना पड़ेगा, चल चल निकलते निकलते चल। भैया आपका 10 हुआ और मैं आपको 10 देती हूँ। मैं बॉटल ब्रांड न्यू, यही मेरा पैसा लिया था। चलो चलो भैया वो स्कूटर को फॉलो करो, छोड़ेंगे नहीं साले को, आने दो। रुक 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 साले रुक रुक।
कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? चौधरी, चौधरी रतन सिंह बाकी। अरे तो फिर हमें यहाँ लाए क्यों हो? धीरज रखो, धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। हमें तो तुम्हें ऊपर पहुंचाने की सुपारी मिली है। एक बार उस आदमी का नाम बता दे जिसने तुम्हें सुपारी दिया, बस। अबे चुप, नाम बता दे। नाम बता दे, तू तो अपनी अंतिम इच्छा बता दे। हेलो अंडे, ये किसको बुलाया? अरे तुझे बे, इधर आ। चौधरी रतन सिंह बाटी नाम है मेरा। अच्छा, इधर आ। अच्छा, क्यों? अबे इधर आना, जो बोलना है वहीं से बोलो। अबे गुठली के, तुझे पता भी है किसको लेके आया तू? चल भाई तू ही बता। मैं भूतपूर्व और आने वाला एमएलए हूँ। आने वाला पल जाने वाला है। अबे तू आने वाला नहीं, तू जाने वाला एमएलए है। अरे चौधरी, मैं तो प्रेजेंट एमएलए हूँ, मुझसे तो डरना बनता है, डर शर्म कर। अरे जा, तेरे जैसे कितने एमएलए तो मेरे चारों तरफ आगे पीछे पानी भरते हैं। अरे हमें सिर्फ इतना बता दो कि क्यों और किसके कहने पर लाए हो यहाँ। बताते हैं। इतनी जल्दी क्या है गोरी साजन के घर जाने की? सखियों के संग बैठ, जरा दो बातें हैं समझाने की। हमने ही तुम्हारा किडनैप करवाया है। और हमने तुम्हारा किडनैप किया। अबे देख क्या रहा है बुड्ढे, तूने दुनिया का इतना खून चूसा है, अब हमारी बारी है। अब हम चूसेंगे आम, संतरा, खंडूरी, नागर। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? नागर ये सब क्या है? वही जो आपसे सीखा है सर, आपका सच्चा शागिर्द हूँ मैं भी। अब गुरु दक्षिणा तो आपको लेनी पड़ेगी मुझसे। दे दो, लाइफ लाइन सिर्फ एक है और वो है तेरी मौत। अब चौधरी साहब जल्दी करो, इनकी कब्र खोद दो। खोद दो हाँ, खोद दो, ताकि हमारे नेता बनने के रास्ते साफ हो जाए। ए लोंडो, तो जल्दी कब्र खोदो, जल्दी कब्र खोदो, जल्दी कब्र खोदो। हेलो आंटी, आज जल्दी से साइड फाइव वाली कपड़ा फैक्ट्री में पुलिस को लेके आई है। अबे तू मेरा आदमी है, तू उसका आदमी है। डैडी कहाँ है? अंदर, रुक, यही दोनों। I swear on Jesus Christ, sister, यही दोनों हमारे डैडी लोगों को। नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आइला मलाइका, मलाइका, चमिया,
नाच के दिखाओ। बोलो हो जाए। जल्दी पकड़, जल्दी ले के आ। सभी अरेस्ट कर लो। मैं नहीं हूँ। पुलिस। अमन और जो है तुम आओ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ नीचे आ जाओ, आ जाओ। अरे चीर कहाँ घुस के बैठा है? अरे निकल बेहोश, निकल बेहोश, मुझे क्यों देख रहे हो? तो है मैं बताऊँगा भाई। चल बेहोश, निकल, चल 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 चल, मैं आपको चल पकड़ी उतार के। हाँ चल चल, तो है मैं दिखाऊँगा। एक फुट को आदमी, देखो तो जरा, देखो डॉक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन असली मुजरिमों को, इन आस्तीन के सांपों को। अबे नागर, करो इनको। अबे मैंने तुझे दौलत दी, शोहरत दी, इज्जत दी, पार्टी में रुतबा दिया, और तूने मेरे साथ ये किया? और जिन लड़कों को मैं इस्तेमाल करता रहा अपने फायदे के लिए, उन्होंने मेरी जान बचाई। मेरे दिमाग के कुत्ते फेल हो गए थे, मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसको। तो हम ठीक कर रहे हैं। चल ओए, चलो भटोरे, चलो। तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे वाकई नहीं पता था तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो। आओ लो, लो बच्चों, जाओ बेटा तुम इधर आओ। जी लो अपनी जिंदगी। एक मिनट, एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? हाँ मिस ब्रिगेंजा, मैं भी आज तक इस लड़के को गलत समझता था। मैं समझता था कि इसकी कोई औकात ही नहीं है, लेकिन आज इन लोगों ने मुझे बचाकर ये साबित कर दिया कि इनकी हैसियत मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा है। इसलिए मैंने इनसे जो प्रॉमिस किया था ना, वो आज पहली बार पूरा कर रहा हूँ। आंटी, अब कैसी नाराजगी? नाउ ही इज योर सन इन लॉ, प्लीज अब भूल जाइए ना दैट वी आर क्रिश्चियन और ये मुस्लिम है। प्लीज तमिया जाना। आंटी, पहले तुम हमको प्रॉमिस करो तुम हमारा बेटी को हमेशा खुश रखे। आई प्रॉमिस आंटी, मैं आपकी बेटी को हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। सो स्वीट। नो नो नो,
आंटी डोंट वरी, अब मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। आई एम ऑल गुड नाउ। ओके ओके ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं। ओके इसी बात पे एक शेर अर्ज है। ओहो इरशाद सुनाओ 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 इरशाद। ससुर जी गौर फरमाइएगा कि तेरे इश्क में हो गया जो इतना बड़ा हंगामा, कि तेरे इश्क में हो गया जो इतना बड़ा हंगामा, व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा। ओ भाई ये सब तो ठीक है, पर इधर भी देख लो। क्या हुआ डायरेक्टर साहब? भैया इसकी पेमेंट कौन देगा? ना 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 ना, पॉकेट उसने मारी, पेमेंट तुम क्यों दोगे भाई? क्या करना है भैया? पैकअप करते हैं, पैकअप बोलो। माल रे मिले जो मुझे तो बड़ा बवाल रे।